आप देख रहे हैं मायापुरी कट और मैं हूं आपके साथ छवि। स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी फिल्मी करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, जिसके चलते वह अपने मिस्टीरियस मैन को लेकर खबरों में हैं। एक्टर टाइगर श्रॉफ से ब्रेकअप के बाद दिशा पाटनी अक्सर अपने विदेशी दोस्त अलेक्जेंडर एलेक एरिक के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। सुपरस्टार कार्तिक आर्यन की बर्थडे पार्टी में भी दिशा अपने अलेक्जेंडर दोस्त के साथ पहुंची। इस मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी अपलोड की। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दिशा का ये दोस्त है कौन। अलेक्जेंडर उनके जिम ट्रेनर हैं, साथ ही अलेक्जेंडर एक एक्टर भी हैं। स्वर्गीय एक्टर दिलीप कुमार की छोटी बहन फरीदा की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि परिवार की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। वहीं टाइम्स की खबरों के मुताबिक फरीदा की तबीयत खराब थी और अब उसमें कुछ हद तक सुधार हुआ है। फरीदा 7 दिनों से कोकिला बेन अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि ये पता नहीं लग पाया है कि उन्हें हुआ क्या है। सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दर्शन पिछले कुछ सालों से फिल्म मेकिंग से दूर हैं। हालांकि सनी देओल पर कुछ गंभीर आरोप लगाने के बाद फिल्म निर्माता सुनील अब हेडलाइन में बने हुए हैं। हाल ही में सुनील दर्शन ने बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान सुनील ने आरोप लगाया कि सनी देओल ने एक फिल्म की साइनिंग अमाउंट वापस ना करके उन्हें धोखा दिया। इंटरव्यू में सुनील दर्शन ने ये भी आरोप लगाया कि एक्टर सनी देओल काफी घमंडी है। बता दें 1996 में रिलीज हुई फिल्म अजय के सेट पर एक्टर और डायरेक्टर के बीच मतभेद हो गई। सुनील के साथ गर्मा गर्म बहस के बाद सनी सेट से बाहर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। इस तरह फिल्म अधूरी रह गई। एक्टर ने बाद में फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने से भी इनकार कर दिया। फिल्म मेकर को बिना एंड के इसे रिलीज करना पड़ा। ये मुद्दा दोनों के बीच 25 साल की लंबी कानूनी लड़ाई की वजह भी रहा। न्यू मॉम आलिया भट्ट इन दिनों क्लाउड 9 पर हैं और हो भी क्यों ना, मैडम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। 6 नवंबर को आलिया ने अपने पहले बच्चे को वेलकम किया, जिसके चलते आलिया का सारा ध्यान अपनी बेटी पर है। आलिया रणवीर दोनों ही अपनी बच्ची का खासा ध्यान रखते हैं। अपने मदरहुड प्लान के बारे में बात करते हुए आलिया ने कहा कि वह अपने बच्चे को लोगों की नजरों में लाने को लेकर थोड़ा टेंशन में है। यह एक ऐसी चिंता है जिसे वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करती हैं। हालांकि एट एंड ऑफ द डे उन्होंने इस रास्ते पर चलना चुना और मदरहुड के टर्म्स में फ्यूचर कैसे सामने आएगा इस पर उन्होंने कोई आइडिया फिक्स नहीं किया है। पाकिस्तानी एक्टर फहद मुस्तफा को बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर छूना पड़ा भारी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी फहद की इस हरकत से बेहद नाराज हैं। वे कमेंट कर कह रहे हैं, फहद मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। ये पूरा वाकया दुबई में फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अचीवर अवार्ड सेरेमनी के दौरान हुआ। इस इवेंट में इंडिया और पाकिस्तान के एक्टर्स एक दूसरे से मिले। फहद मुस्तफा को दुबई में हुए फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अचीवर अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड मिला। वो स्टेज पर पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर गोविंदा की खूब जमकर तारीफ की। इसके बाद वह स्टेज से उतरते हैं और सीधा गोविंदा के पास जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। फहद मुस्तफा का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी एक्टर की इस हरकत से बेहद नाराज हैं। फिल्म हेरा फेरी 3 के बाद अब अक्षय कुमार के हाथ से आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3 भी निकल गई है। अक्षय के करियर में ये तीनों ही फिल्में एक बड़ा योगदान रखती हैं। ऐसे में इसके सीक्वल का हाथ से निकल जाना अक्षय के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार को इन फिल्मों में लेने के लिए फिरोज नादियाडवाला तैयार थे। अक्षय ने अपनी फीस कम करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते अब फिरोज नादियाडवाला ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। खैर, कार्तिक पहले ही भूलभुलैया 2 में अक्षय की जगह ले चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3 में
किस एक्टर को साइन किया जाएगा। बॉलीवुड के पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली खबरों में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार वह अपने घर की वजह से सुर्खियों में हैं। जहां एक तरफ कपल घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वह भारी रकम चुकाकर किराए के घर में रह रहे हैं। अनुष्का और विराट की बात करें तो Zepki.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली ने जुहू में 1650 स्क्वायर फीट फ्लैट के लिए 7.5 लाख रुपए जमा किए हैं। 17 अक्टूबर को ये डील फाइनल हो गई थी। वैसे महीने का किराया जो है वो है 2.76 लाख रुपए। इस फ्लैट की खास बात ये है कि ये आपको सी व्यू भी देता है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जिस फ्लैट को विराट और अनुष्का ने किराए पर लिया है वह पूर्व क्रिकेटर समरजीत सिंह गायकवाड़ का है, जो कि शाही परिवार के वंशज हैं। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर अपकमिंग थ्रिलर फिल्म वध का ट्रेलर रिलीज हो गया है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की इस फिल्म का ट्रेलर दिल दहलाता नजर आ रहा है। फिल्म वध का 2 मिनट 41 सेकंड का ये रोमांचक ट्रेलर सांसें थाम देने का दम रखता है। इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार पहली बार एक साथ झंझोर देने वाली कहानी के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म के इस ट्रेलर ने दर्शकों को पूरी तरह से बांध दिया है। संजय मिश्रा पहली बार स्क्रीन पर इस तरह के किरदार में दिखाई देंगे। ट्रेलर में संजय मिश्रा नीना गुप्ता ने हर फ्रेम में दर्शकों को हैरान कर दिया है। फिल्म 9 दिसंबर 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि इस बार कोई ब्यूटी पेजेंट या फिर फिल्म एक्टिंग के करियर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल यानी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि हमारी मिस वर्ल्ड को प्यार हो गया है और वह एक बिजनेसमैन से प्यार कर बैठी हैं, जिनका नाम निखिल कामंत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2017 में मिस वर्ल्ड का क्राउन जीत चुकी मानुषी छिल्लर बैंगलोर बेस्ड बिजनेसमैन निखिल कामंत को डेट कर रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच प्यार वाला कनेक्शन करीब पिछले एक साल से चल रहा है। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि दोनों एक साथ लिव इन में भी रह रहे हैं। बता दें कि मानुषी ने जिन्हें अपना प्यार चुना है उनकी शादी पहले ही हो चुकी है। कामंत ने इटली में साल 2019 में अमांडा नाम की महिला के साथ धूमधाम से शादी रचाई थी। हालांकि दोनों जल्द ही अलग हो गए और पिछले साल 2021 में उनका तलाक हो गया। सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों के चलते सुर्खियों के बाजार में छाई रहने वाली उर्फी जावेद इन दिनों अपने आधार कार्ड की तस्वीर को लेकर चर्चाओं के बाजार में छाई हुई हैं। इस तस्वीर में उर्फी जावेद बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही हैं, क्योंकि इस तस्वीर में उर्फी को पहचान पाना दर्शकों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। उर्फी जहां इंस्टाग्राम पर स्टाइलिश और बोल्ड अवतार में सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ले जाती हैं, तो वहीं उनकी इस तस्वीर से भी नजरें हटा पाना मुश्किल हो गया है। शेयर की फोटो में आधार कार्ड की डिटेल्स को उर्फी अपने हाथ से छुपाते हुए केवल अपनी फोटो दिखा रही हैं। उर्फी की इस फोटो को देखते ही फैंस अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसे जमकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। आज मायापुरी अपडेट्स में बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।